लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वन टाइम और SIP, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे विड्रॉ करते हैं, और अगर आपने म्यूचुअल फंड में कोई SIP की हुई है तो SIP को स्किप या कैंसिल कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने म्यूचुअल फंड यूनिट सेल करने के लिए और अपनी SIP को स्टॉप या स्किप करने के लिए आपको AngelOne एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। इसमें आप म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड आ जाएगा। म्यूचुअल फंड्स में आपने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उस पर आपको कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका पूरा पोर्टफोलियो आ जाएगा। किन किन म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कितना इन्वेस्ट किया है, उस पर आपको कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, और साथ ही पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल आपको कितने रिटर्न्स मिले हैं वो भी आप यहीं पर देख सकते हैं। इसमें आप व्यू पोर्टफोलियो एनालिसिस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने पोर्टफोलियो का डिटेल्स में एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि आपको कितने टाइम पीरियड में कितने रिटर्न्स मिले हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहां पर टैक्स ओवरव्यू देख सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और कितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड से 1,00,000 रुपए तक के प्रॉफिट पर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होता है। 1,00,000 रुपए से ऊपर का आपको जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में सेल करते हैं यानी 1 साल से पहले अपने म्यूचुअल फंड्स को सेल करते हैं तो उस पर आपको 15% टैक्स देना होगा, और अगर लॉन्ग टर्म में सेल करते हैं यानी 1 साल के बाद सेल करेंगे तो उस पर आपको 10% कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया और उस पर आपको 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 1,00,000 रुपए पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन जो ऊपर के 20,000 रुपीज है उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको म्यूचुअल फंड कैसे सेल करना है यानी इससे पैसे कैसे निकालने हैं। तो जो भी म्यूचुअल फंड आपको सेल करना है उस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट और करंट वैल्यू देख सकते हैं। सेल करने के लिए आप नीचे विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। इसमें आप नीचे विड्रॉ पर क्लिक करेंगे, इस म्यूचुअल फंड से आप कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर आपको पूरा अमाउंट विड्रॉ करना है तो आप नीचे विड्रॉ फुल अमाउंट पर टिक कर देंगे, पूरा अमाउंट आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद विड्रॉ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक समरी आ जाएगी, आपके पास कितने यूनिट्स है, कितना अमाउंट आपका विड्रॉ होगा, किस बैंक अकाउंट में ये क्रेडिट होगा और किस डेट तक ये क्रेडिट हो जाएगा वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे आप कन्फर्म विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। जिस तरह से स्टॉक सेल करने के लिए T-PIN की जरूरत होती है वैसे ही म्यूचुअल फंड के लिए भी आपको T-PIN की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पहले से T-PIN है तो आप कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपके पास T-PIN नहीं है तो आप यहीं से जनरेट कर सकते हैं। रीजनरेट T-PIN पर क्लिक करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। AngelOne के साथ आपने जो मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है उसी पर T-PIN सेंड कर दिया जाएगा। आप यहां पर T-PIN एंटर करेंगे, इसके बाद वेरीफाई, एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP यहां एंटर करेंगे, इसके बाद वेरीफाई, T-PIN वेरीफाई हो जाएगा, इसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद आपके म्यूचुअल फंड यूनिट सेल हो जाएंगे और इतना ही अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बाद ऑर्डर्स में जाकर भी आप अपना ऑर्डर्स यहां पर देख सकते हैं, किस डेट को आपने ऑर्डर प्लेस किया है और किस डेट तक ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा वो आप यहां पर देख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको SIP स्टॉप या स्किप करनी है तो नीचे आप SIPs पर क्लिक करेंगे, जितनी भी SIPs आपने स्टार्ट की हुई है वो सब आपके सामने आ जाएगी। इसमें आप मैनेज ऑटो पे पर क्लिक करेंगे, इसमें आप SIP पर क्लिक करेंगे, ये SIP किस म्यूचुअल फंड के साथ लिंक है वो आप यहां पर देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने SIP डिटेल्स आ जाएगी। ऊपर आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो है एडिट SIP, यहां से आप अपने SIP को एडिट कर सकते हैं। किसी महीने अगर आपके पास पैसे नहीं होते हैं और उस महीने आप SIP को स्किप करना चाहते हैं तो आप यहां स्किप पर क्लिक करके इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपको SIP कैंसिल करनी है तो आप कैंसिल SIP पर क्लिक करेंगे। SIP को आप कैंसिल क्यों करना चाहते हैं यहां पर आप कोई भी रीजन सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद कैंसिल SIP पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप यस कर देंगे, यस कैंसिल, आपकी SIP सक्सेसफुली कैंसिल हो जाएगी। अब आप यहाँ SIPs में देख सकते हैं आपके पास कोई भी एक्टिव SIP नहीं है। इसके बाद अगर आपको म्यूचुअल फंड सेल करके पैसे विड्रॉ करने हैं तो पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे, म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे जिससे आप पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं। नीचे आप विड्रॉ पर क्लिक करेंगे, अमाउंट एंटर करेंगे, कितना अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं, इसके बाद विड्रॉ समरी आ जाएगी, कन्फर्म
पर क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। अभी आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड शो हो रहे हैं, जैसे अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा तो ये म्यूचुअल फंड यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। सो इस तरह से आप म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।